आज मैं कॉलेज से ये पौधा लेकर आई हूँ। ये छोटू से पोट में मेरी फ्रेंड अनीता लेकर आई थी मनन के लिए, क्योंकि मनन को प्लांटेशन बहुत पसंद है। तो घर पर अब शाम को मनन ये प्लांट लगा रहा है, और ये प्लांट की जो मिट्टी है वो भी हम इसमें मिला देंगे। और ये जो गमला है ये मेरा पहले से पड़ा हुआ था, इसमें भी एक पौधा था जो खराब हो गया था तो वो निकाल दिया, और यही मिट्टी इसमें भी काम आ जाएगी। वैसे प्लांटेशन करना एक अच्छी बात होती है, हमें घर में जो जगह हो तो घर में, घर के आसपास में, घर में रखना हो तो जो घर में रह सके ऐसे पौधे पसंद करने चाहिए। मेरे घर में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं फिर भी बालकनी में और थोड़े से मैं किचन की जो विंडो है उसमें भी प्लांट लगाती हूँ। मैं हूँ वैशाली, आप देख रहे हैं वैशालीस ऑरा इन वर्क। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन होता है उसे दबा दीजिए तो मेरी जब भी नई वीडियो आए तो आपके पास पहुंच जाए। तो ये हो गया हमारा प्लांटेशन। इस गमले को मैंने किचन की विंडो में रख दिया है। यहाँ पे मैंने दूसरा भी गमला लगा के रखा है, ये सब मैंने बालकनी में लगा के रखा है। मैं जो डीमार्ट से ग्रोसरी लेकर आई हूँ वो आज करूँगी रिफिलिंग, और अच्छे से सेट कर लूँगी। मनन के साथ थोड़ी मस्ती हो रही है और मनन को मैं जो भी कह रही हूँ वो मस्ती में ले रहा है। कल के यहाँ रख रहे हैं और फिर जहाँ जो रखना है वो रखती जाऊंगी। अभी ये स्पंज ले आई हुई, इतनी भीड़ होती है संडे का दिन कि कुछ सूझता भी नहीं है। फिर ऐसा होता है कि जो आते हैं वो ले लो, ऐसा तो नहीं करती हूँ। लिया है मैंने खिचड़ी के लिए राइस, ये रिफिलिंग कर दूंगी। अच्छा ये काम ठीक है। अब ये खिचड़ी के राइस जो है वो मैं रिफिलिंग कर दूंगी। अब कढ़ी चोखा दूं। ये कढ़ी चोखा जो होते हैं इससे कणक की बनाने में बहुत मजा आता है। इसकी कणक की जब बनाओ तो बहुत बढ़िया बनती है, और कभी कभी हमें जब इडली या ढोकला बनाना हो तब भी ये कढ़ी चोखा मैं मिलाती हूँ तो बहुत बढ़िया बनता है। कभी कभी ट्राई करके देखिए, मजा आएगा, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। हाँ ये मनन के लिए हर्षीस, और ये हॉट फेवरेट, मगर ये तो 2 महीने के लिए है स्टॉक। ये मेरा वाइपर है जो किचन टॉप के लिए, वो थोड़ा सा खराब हो गया है। मैं अनबॉक्स कर दूँ? हाँ अनबॉक्स कर दूँ। ये है सूजी, ये सूजी है, इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट करके बाद में रखूंगी ताकि कोई कीड़े ना पड़ जाए। और ये है मैंदा, मैंदा हम भर लेंगे इसमें। अब और हाँ चटपटा, कुछ खाने को इच्छा हो तो आप समझ सकते हैं किसने लिया होगा। मैंने लिया था।
हेडेक्स की गोली। सीजन चेंज होती है तब मेरे गले में खराश रहती है, खिचखिच होता रहता है, तो जब मैं बोलती हूँ तो बहुत खांसी आ जाती है कभी कभी। तो मैं लेक्चर दे रहा हूँ तब ये गोली मुँह में रख के जाती हूँ तो अच्छा रहता है। हिंग सांभर मसाला, वैसे तो मैंने सांभर प्रीमिक्स बनाया रहता है मगर ऊपर से थोड़ा सांभर मसाला यूज करती हूँ। सांभर प्रीमिक्स का एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि बहुत ही बढ़िया रहता है, उसमें फट से सांभर बन जाता है। और ये है टूथपेस्ट, अभी ये मैगी कम पड़ती है तो ये तीखा वाला स्पाइसी यम्मी ये मैगी बस खत्म। सेजवान चटनी और सब चीजें तो हमने आकर रख दी है फ्रिज में। मनन वाली चीजें क्या क्या था, मनन क्या क्या था? चीज, बटर, गार्लिक बटर और नगेट्स का पैकेट लिया, फिर लिया पनीर, मेयोनीज, ये सब चीजें इसकी। हमारा सिर्फ इतना, इनमें भी मनन की चीजें हैं। और क्या रह गया? जलजीरा गोली, जलजीरा गोली ली बोलो, जलजीरा गोली कुछ भी लेता रहता है। तो ये सारी हमारी ग्रोसरी थी। वैसे मैं सारी चीजें डीमार्ट से नहीं लेती हूँ और बाकी की जो चीजें होती है वो मैं लिस्ट करके रखती हूँ और जब बाजार जाती हूँ लोकल शॉप से वहां से लेकर आती हूँ। तो ये था हमारे आज के ग्रोसरी शॉपिंग का वीडियो। तो मिलते हैं कल, बाय 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 बाय।